अजय कुमार सिंह, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। उत्तर प्रदेश रायबरेली में 22 तारीख शुक्रवार राही बाजार मिल एरिया थाना क्षेत्र में असलहों से दहशत फैलाने वाले 15,000 के इनामी 4 अभियुक्तों के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, अलग अलग धाराओं में दंडित कर जेल भेजा गया। रायबरेली पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह की निशानदेही पर पकड़े गए आरोपी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट पवन कुमार मिश्रा के साथ। स्वाट सर्विलांस टीम ने आज 8 कुख्यात शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी संख्या में पिस्टल और तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। इनसे पूछताछ पे इनके द्वारा थाना सरैनी क्षेत्र में, थाना नसीराबाद क्षेत्र में पूर्व में सराफा व्यापारियों के साथ लूटपाट की घटना और उससे संबंधित माल की बरामदगी हुई है। इनमें से 4 साथी अपराधी मुकेश यादव, बिट्टू यादव, सलाहुद्दीन और आशीष यादव के 15,000 रुपए के इनाम पहले से घोषित था। ये अत्यंत साथी अपराधी हैं, जो पहले भी लूट, डबल मर्डर और अन्य हत्या और हत्या के प्रयास के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में जेल में निरुक्त रहे हैं। ये अभियुक्त संगठित गिरोह चला रहे हैं, जो वर्तमान में सक्रिय होकर अपने साथियों के साथ विवादित जमीनों के प्लाटों पर कब्जा कराना और कुछ लोगों से रंगबाजी के दम पर मारपीट करना और उनसे